पूरे फैक्ट्स और एविडेंसेस के आधार पर हमारे पास तथ्य प्रमाण साक्ष्य और आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि भगवान शंकराचार्य का अवतरण 20वीं सन से 507 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। अब मैं आपको वो टाइमलाइन निकाल के इसमें बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। भगवान शंकराचार्य ने राजपीठ की जो स्थापना करी थी उसके लिए उन्होंने सम्राट सुधन्वा को अखंड भारत का राज सिंहासन समर्पित किया था, और सम्राट सुधन्वा की भूमिका जो है शंकर दिग्विजय में वो कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं है। सम्राट सुधन्वा ने महती भूमिका निभाई है शंकर दिग्विजय के अभियान में भगवान शंकराचार्य के। भगवान शंकराचार्य के निज धाम कैलाश गमन जो कि 32वें वर्ष में सिद्ध होता है, भगवान शंकराचार्य के निज धाम कैलाश गमन के एक माह पूर्व यानी एक महीने पहले सम्राट सुधन्वा ने भगवान शंकराचार्य को प्रशस्ति पत्र भेंट किया था, और उस प्रशस्ति पत्र में वो ताम्र पत्र था, कॉपर इंस्क्रिप्शन था, वो प्रशस्ति पत्र जो दिया था उसके ऊपर जो डेटिंग लिखी थी सम्राट सुधन्वा ने, उस डेटिंग में उन्होंने युधिष्ठिर संवत का उल्लेख किया था। शक संवत हमारा नेशनल कैलेंडर है, उसके बाद में फिर ईसवी संवत भी है, उसके बाद में फिर हमारे यहाँ पे विक्रम संवत भी है, कली संवत भी है हमारे यहाँ, तो कलियुग का संवत भी है और युधिष्ठिर संवत भी है, और हाँ कृष्ण संवत्सर भी है हमारे यहाँ। भगवान कृष्ण टोटल 125 वर्ष तक रहे थे इस धराधाम के ऊपर, तो कृष्ण संवत्सर भी है हमारे पास जो भगवान कृष्ण के जन्म से आरंभ होता है। तो सम्राट सुधन्वा ने जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दिया था, शंकराचार्य भगवान को प्रशस्ति पत्र भेंट किया था जो उन्होंने, उसके ऊपर जो उन्होंने डेट डाली थी वो डेट ये थी 2663 आश्विन शुक्ल 15 को भगवान शंकराचार्य को प्रशस्ति पत्र भेंट किया सम्राट सुधन्वा ने, और उसके ठीक एक महीने बाद 2663 कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शंकराचार्य ने निज धाम कैलाश गमन किया लीला संवरण करके। तो ये जो युधिष्ठिर संवत है हम इसकी टाइमलाइन निकालेंगे, और इसके बाद में हम कृष्ण संवत सर की भी टाइमलाइन निकालेंगे। हम ये भी टाइमलाइन निकालेंगे कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था, वो कौन सा वर्ष था जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब भगवान कृष्ण की आयु कितनी थी, और साथ ही साथ युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक कब हुआ था, और कलयुग किस दिन से आया, प्रवेश कलयुग का कब से होता है। तो पहले हम टाइमलाइन निकाल लेते हैं। देखिए शक संवत के अनुसार 1940 चल रहा है अभी, ईसवी सन के अनुसार 2018 चल रहा है अभी, विक्रम संवत के अनुसार अभी वर्तमान में 2075 चल रहा है, और कली संवत के अनुसार कलयुग लगे हुए अभी 5119 वर्ष हो गए हैं। यहां तक हमने समझ लिया। अब हुआ ये था कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होता है, उसका वर्णन है युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक के 36 वर्ष के बाद में मौसल युद्ध का वर्णन है, मौसल युद्ध, और मौसल युद्ध जो था वो गांधारी जी के श्राप के कारण हुआ था। गांधारी जी ने श्राप दिया था भगवान कृष्ण को कि तुम्हारे भी वंश का वैसे ही संहार होगा जैसे हमारे वंश का तुमने करवाया है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। तो युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक के 36वें वर्ष में मौसल युद्ध हुआ था, और जिसमें यदुवंश का पूरा संहार हो गया था। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने निज धाम में गमन किया था, अपनी लीला को विराम दिया था। तो जिस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को विराम दिया उसी दिन से कलयुग का आना हम लोग मानते हैं, कलयुग का कैलकुलेशन हम स्टार्ट मानते हैं उस दिन से। भगवान वैसे तो कलयुग आ ही चुका था, महाभारत युद्ध जो है वो द्वापर और कलयुग के बीच का जो संधि काल था उस समय लड़ा गया है वो, और भगवान कृष्ण ने ये बात कही है जब दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया था भीम ने और जांघ तोड़ दी थी, उसके बाद भगवान बलभद्र कुपित हो गए थे। तो भगवान बलभद्र को भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप कलयुग को आया हुआ समझ लीजिए, आप कलयुग आ चुका है,
और भगवान कृष्ण की लीला संवरण यानी लीला समाप्त करने के दिन से ही हम लोग मानते हैं कि हाँ कलयुग का आरंभ हो गया था। तो ये जो डेट है कली संवत की, इसके 36 वर्ष पूर्व यानी भगवान कृष्ण के लीला संवरण के बाद कलयुग का आरंभ होता है, उसके 36 वर्ष पूर्व हम मानते हैं कि युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ था। 36 वर्ष पूर्व शास्त्र ऐसा कह रहा है। तो युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक जब होता है आप सोच रहे होंगे मैंने 36 बताया और लिखा 37 है, वो इसीलिए है कि हम 36 वर्ष के बाद में मौसल युद्ध हुआ था लेकिन उसके एक वर्ष बाद से हम लोग कली संवत मानना आरंभ करते हैं। तो इसमें 36 37 को हम जोड़ते हैं तो हमें 5156 वर्ष प्राप्त होते हैं युधिष्ठिर संवत के। भगवान कृष्ण 125 वर्ष रहे, तो कली संवत में अगर हम 125 और जोड़ देते हैं तो हमें कृष्ण संवत्सर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कृष्ण संवत्सर भी हम लिख देते हैं। तो यह है कली भगवान कृष्ण के अवतरण का दिन, कृष्ण संवत्सर आरंभ होता है। अब ईसवी सन से 3101 वर्ष पूर्व कली संवत मान्य है हमें। तो हम ये देखते हैं कि 3101 वर्ष और भगवान शंकराचार्य का अवतरण युधिष्ठिर संवत के अनुसार 2631 में हुआ। 2631 में युधिष्ठिर संवत के अनुसार यानी युधिष्ठिर जी का संवत आरंभ जो होता है उसके अनुसार 2631 में भगवान शंकराचार्य का अवतरण होता है। तो 2631 में भगवान शंकराचार्य का अवतरण होता है। तीन हजार एक सौ एक कली संवत, इसमें हमने 37 वर्ष जोड़ दिए युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक के। युधिष्ठिर संवत के अनुसार 2631 वर्ष के बाद भगवान शंकराचार्य का अवतरण होता है। तो हम जब इसमें से इसको घटाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ईसवी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का अवतार सिद्ध है। और कृष्ण संवत्सर भी है हमारे पास में, युधिष्ठिर संवत्सर भी है, कली संवत भी है, विक्रम संवत भी है। तो हमें क्या आवश्यकता है अंग्रेजों के दिए हुए डेटिंग को मानने की? हमारे पास में अपनी खुद की डेटिंग्स हैं, हमारे आचार्यों की गणना निकालने के लिए हम अगर अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक दूसरा प्रमाण और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भगवान शंकराचार्य ने मांडुक्य उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा है। मांडुक्य उपनिषद में भगवान शंकराचार्य ने दूसरे श्लोक में जो बात कही गई है कि सर्वभेतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये दूसरा मंत्र है या श्लोक कह लीजिए मांडुक्य उपनिषद का। उसमें स्वयं आत्मा चतुष्पाद के ऊपर जो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है उसमें उन्होंने काशार्पण वन गौरवेति की उक्ति लिखी है। काशार्पण जो है वो मुद्रा थी, काशार्पण का अर्थ था मुद्रा। तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि आत्मा के चार अंश हैं, ठीक वैसे ही जैसे काशार्पण के हैं। काशार्पण जैसे लोग कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे ना कि तुम 16 आने सही बात करते हो। 16 आने क्या थे, 4 आना हमने देखा भी है जब हम छोटे थे, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। बस उसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं, ये चार में जो विभाग करा ना काशार्पण की जो बात थी, काशार्पण मुद्रा थी हमारे यहाँ पे। तो भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में उस मुद्रा का उल्लेख कर रहे हैं। अब बिल्कुल लॉजिकल बात है कि आप अगर आज कोई किताब लिखते हैं तो आप उसमें अगर भाष्य लिख रहे हैं तो आप आज की समय की मुद्रा का ही उल्लेख करेंगे उसमें। आप उसमें आज से 200-300 साल पहले की मुद्रा का तो उल्लेख करने नहीं वाले। तो भगवान शंकराचार्य के समय पे काशार्पण मुद्रा चलन में थी। काशार्पण मुद्रा जो थी वो 6ठी शताब्दी और 4थी शताब्दी में मान्य है
हमारे यहाँ के इतिहास में भी इसका वर्णन है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में काशार्पण मुद्रा का उल्लेख किया है, और वो काशार्पण मुद्रा जो है छठी और चौथी शताब्दी तक चलन में थी। हम अगर देखते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पण का उल्लेख आता है, पण। तो काशार्पण है ना, तांबे के एक कर्ष को कार्षिक या काशार्पण कहते थे। तो उस काशार्पण मुद्रा का उल्लेख भगवान शंकराचार्य ने एग्जाम्पल के रूप में रखा, किस चीज को डिफाइन करने के लिए, आत्मा के विषय में बताया उन्होंने। वो तो एक भाष्य है पूरा विस्तृत भगवान शंकराचार्य का मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। तो इससे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान शंकराचार्य जो है उनका अवतरण काल जो है वो 507 वर्ष पूर्व जो निकलता है युधिष्ठिर संवत के अनुसार, वो बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। तो भगवान शंकराचार्य का अवतरण काल जो है वो 2500 वर्ष पूर्व का सिद्ध होता है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि अंग्रेजों की दी हुई फॉल्स थ्योरियों को हमको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आचार्य परंपरा जो है वो अपने आप में इतनी सक्षम, सबल और प्रबल है कि वो सभी तरीके की प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम और समर्थ है।